हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं उनके ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सचा जी, अप्रैल के महीने में जो पहला एकादशी है वो कब है और इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या इस एकादशी को क्या कहते हैं? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम पाप विमोचनी एकादशी कहते हैं। उस दिन के एकादशी का व्रत करने का विशेष महत्व है। साल भर में आपका जाने अनजाने में जो आपसे पाप हो जाता है उस पाप से बचने के लिए यह एकादशी किया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण एकादशी तिथि 04 अप्रैल 2024 को दोपहर 04:16 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 05 अप्रैल को दोपहर 02:55 पर होने जा रहा है। ऐसे में पापमोचनी एकादशी का व्रत 05 अप्रैल शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन का खास महत्व है, इसलिए तुलसी पूजन का शुभ मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:38 तक रहने वाला है। यह मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। इस एकादशी में करना क्या है? विशेष थोड़ा सा पूजा उस दिन व्रत रखना है, तुलसी माता की पूजा करना है और शाम के समय में आप घी का दिया यदि तुलसी वृक्ष के नीचे जलाते हैं और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपका जाने अनजाने में वर्ष भर में जितना भी पाप है सब उस दिन समाप्त हो जाएगा। तुलसी पूजन का उस दिन शुभ मुहूर्त जो है वह 11:48 से प्रारंभ होकर के 12:38 तक रहेगा। पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो इसी बीच में तुलसी का पूजन कर लें और शाम के समय दिया जलाएं तो आपका जितना भी किया हुआ पाप है सब समाप्त हो जाएगा। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।